नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं तपेश जैना, सीजी स्टार में आपका स्वागत है। मेरे साथ में तीन बहुत ही युवा टैलेंटेड कलाकार हैं। सबसे पहले है पूजा चक्रवर्ती, जो कि आप डांसिंग क्षेत्र से, दूसरे केडी राठौर हैं। आप जो है आप देख रहे हैं इनके हाथ में गिटार, देख रहे हैं गिटार बजाते हैं। इसके साथ में विश्वजीत पटनायक भी हैं। तो पूजा से हम आज बात करते हैं। पूजा, आप क्या अपना परिचय दीजिए और डांस के क्षेत्र में क्या करने वाले हो आप? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा चक्रवर्ती। डांस में आइडेंटिटी बनानी है मुझे, बस मेरी ज़िंदगी में मुझे एक चीज़ आती है, डांस, और किसी में इंटरेस्ट नहीं है। बस होते जाते की चीज़ है डांस डांस डांस। अब उसके लिए अब मैं अपना प्राइवेट स्कूल खोलूँ या फिर कोरियोग्राफ करूँ, वो सब कुछ भी चलेगा मुझे। डांस पूजा, अभी तक की क्या उपलब्धि रही थी, कहाँ से डांस सीखा है और कितनी उम्र से आप डांस कर रहे हो आप? डांस तो मैं अभी 7th स्टैंडर्ड से मैंने डांसिंग शुरू की थी। एंड ड्रॉबैक ये रहा कि मैं कभी किसी डांस क्लास, कोई डांस क्लास अटेंड ही नहीं कर पाई। अच्छा, घर में जो वीडियोस हैं लोगों के, फिल्म देख के और इससे आपने डांस सीखा? हाँ। तो अभी कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, 10th में पढ़ रही है क्या? नहीं, अभी मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है? हाँ। अभी तो मेरे को लगा कि पूजा अभी 10th स्टैंडर्ड में ही होगी। तो इतने साल हो गए पूजा, कहाँ कहाँ गए हो, किस किस मंच पे आपने अपना प्रदर्शन किया है और क्या उपलब्धियाँ आपने हासिल की है? अभी एकदम एक्सट्रीम तो कुछ नहीं, बट छत्तीसगढ़ बिलासपुर कार्निवल था, उसमें सेमीफाइनल तक गए थे। एंड DID में 2 बार जा चुकी हूँ। और अपना क्या था यार, द फादर ऑफ डांस करके एक शो था दिल्ली में। अच्छा, एल्बम भी आ रहा है, क्या नाम है एल्बम का? तेरी आंखें। तेरी आंखें, ये इन आंखों में डूब कर जो है दुनिया क्या बोलते हैं, तेरी नशीली आंखों में मुझे गाना वाना बहुत नहीं आता। लेकिन पूजा, ये बताओ कि आपने डांस सीखा नहीं, डांस आपका पैशन है और डांस को आप करियर बनाना चाहते हो, तो हाउ कैन पॉसिबल दिस थिंग? एनीबॉडी कैन डांस, कभी भी जरूरी नहीं है कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ ही। मुझे इतना यकीन है कि जो मैं कर सकती हूँ। और अपने ग्रुप में जितने भी आर्टिस्ट हैं, कोई किसी इंस्टीट्यूट सीखे नहीं हुए, सब खुद से एक दूसरे को देख के सीख रहे हैं। अच्छा, एक दूसरे को देख के सीख रहे हैं, उसके साथ में आगे बढ़ रहे हैं इन युवाओं में बहुत सारे। लेकिन एक मैं चाहता हूँ कि पूजा, अगर यूथ को आपको कुछ बोलना होगा तो क्या बोलेगी यूथ को पूजा? गाइज, अगर आपका कोई भी पैशन है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जाके कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग लो। प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, बट जितना हो सके खुद से करने की कोशिश करो और लोगों की बात को थोड़ा अवॉइड करो। जो आप करना चाहते हो वही करो, अपने पैशन को फॉलो। पूजा कहना चाहती है कि आपके अंदर में, खुद के अंदर में एक जुनून पैदा करो और जुनून के साथ में जियो। अगर ज़िंदगी जीना है तो जुनून के साथ में जीवन होना चाहिए, क्यों पूजा? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? इसी के साथ में अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे हम। इसके साथ में और अभी KD राठौर से भी बात करते हैं इसके बाद में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।